नमस्कार, मैं गौतम चंद्रा समाचार भारतवर्ष न्यूज़ से इस समय मौजूद हूँ बीडी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज लखनऊ। आपका लखनऊ में आज यूपी टेट की परीक्षा है। जैसा कि यूपी टेट की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को 10 बजे का समय दिया गया था एंट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर बीडी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज पर धंधेबाजी की जा रही है। कुछ छात्र 9 और 9:15 बजे भी आकर बैठे हैं, जिनसे उनको बोला गया कि आप अभी वेट कर लीजिए, आप इस गेट से नहीं दूसरे गेट से आइए, लेकिन उसके बावजूद छात्रों को 10 बजे के बाद लगभग 20 छात्रों को एग्ज़ाम की परीक्षा देने से बाधित कर दिया गया है। सर देखिए 5-10 मिनट की बात है, किसी को मुश्किल की बात है, ठीक है? आपका सेंटर हर बार आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर मैं जान सकता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ हफ्ते बाद मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ते बाद चलो बारे बताएंगे आप। छोटे से बड़े आप उससे पढ़ाते हो? अरे एक मिनट हल्ला मत करिए आप। एडमिट कार्ड के प्रशासन ने जो दे रखा है, एडमिट कार्ड पर पहले नियम के अनुसार है ना, ये लोग जो है डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए, ठीक है ना? और मेरी ऊपर मैनेजमेंट में बात हुई है, उन्होंने कहा निर्वाह हर एक मैनेजमेंट में आपकी किससे बात हुई, क्या नाम बताएंगे मुझे? एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब से बात कर लूं क्या? ये इनको बताइए, इन्होंने क्यों इंटरव्यू दी? सर सर उन्होंने दी तो अच्छी बात। आप लोग किस टाइम पे आए, कितने टाइम का लेट हुआ आप लोग? और इसमें टाइम जैसे आपका दिया हुआ सर 10 बजे, काफी 15-20 मिनट से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, 15-20 मिनट से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सर, 15-20 मिनट से आप समझ नहीं रहे खड़े हुए हैं। दिया है मोबाइल पे कोई कागज नहीं निकाली जा सकती सर, मोबाइल पे से हम लोग खुद यहाँ पर खड़े हैं, मोबाइल पे कागज नहीं निकाले जा सकते। आपका शुभ नाम जान सकते हैं सर? आपका नाम बताने की कोशिश करेंगे? हाँ सर आपका नाम जान सकता हूँ? अरे यार दीक्षित भाई अब तो हटाइए यार, हटाइए इन लोगों को। अब तो ओरिजिनल भी है ना। जिस तरह से बच्चों से मैं कंफर्मेशन करना चाहूंगा एक बार, जैसे कि अभी 10:30 बज रहा है, ठीक है, और 10 बजे का टाइम दिया गया था यहाँ पर, 10 बजे तक का टाइम दिया गया था बच्चों को, आप लोग बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर हम लोग 9 बजे से यहाँ पे आए हुए, एक तो सेंटर ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से हम लोग बस ओरिजिनल है, बट यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर स्टैंप नहीं है तो भी नहीं लगेगा। अभी आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ एग्जाम देने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल है, हम अगर वो चाहते हैं तो ओरिजिनल कॉपी दिखा सकते हैं। आगे आके आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर हमारे पास ओरिजिनल है, सिर्फ 5-7 मिनट लेट हुआ है, इसलिए वो एंट्री नहीं दे रहा है। क्या बता रहे हैं आपके बोलने पर? क्या बताया जा रहा है आपको? टाइम ओवर हो गया इसलिए एंट्री नहीं दिया। ओरिजिनल नाम आपको पता है जिन्होंने आपको चीज बोली है? नहीं सर नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता। आप ना दिखा दीजिए डॉक्यूमेंट, दिखाने का कोशिश करिए अपना, आप सामने आ जाइए, आप भी दिखा दो, सब लोग दिखाओ। और किन किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? और स्टैंपिंग लेके कंप्लीट इस तरह से आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कॉलेज कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, ऐसे कॉलेज की तरफ से कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसे कॉलेज सर प्रशासन से फिर भी हम लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। और आप लोग से सर मुझे कहना है कि अभी हम लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आई ही नहीं है, और मैं थर्ड ईयर उसमें हूँ, सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने ऑनलाइन निकलवा ली थी। आपका नाम जान सकते हैं? सर नैन्सी वर्मा। मैम आप कहाँ से आई हैं? सर मैं यहीं से आई हूँ, लखनऊ से।